पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। सबो को जय यीशु। प्रभु यीशु क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है नित्य प्रार्थना में। मैं सर्वप्रथम आप सभी के लिए ईश्वर को धन्यवाद देता हूं। आज आप कोई ना कोई निवेदन या मनोरथ लेके आए होंगे, उस सब को हम ईश्वर को चढ़ाए और बीते पलों के लिए, बीते समय के लिए, बीते वर्ष के लिए, हर एक चीज के लिए ईश्वर को धन्यवाद दें। हम सबके परिवारों के लिए, परिवार के प्रत्येक सदस्यों के लिए, हमारे जीवन साथी के लिए, हमारे माता पिता बच्चों के लिए, आस पड़ोसियों के लिए, देश के लिए, हमारे घर कामकाज के लिए, हर एक चीज के लिए, हमारे व्यवसाय बिजनेस के लिए, हमारे रोजगार के लिए, हमारी नौकरी के लिए, हमारे एग्जाम के लिए, हमारे भविष्य के लिए, हर एक चीज के लिए ईश्वर को धन्यवाद दें। विशेष करके धन्यवाद देना ईश्वर के प्रेम के लिए, धन्यवाद देना ईश्वर ने हमें संभाला, सुरक्षित रखा और आज हमें एक नया दिन देखने के लिए जीवित रखा, हमारे अंदर अपनी प्राणवायु जारी रखी, हमें देखने के लिए आंखें दी, सुनने के लिए कान दिए, बोलने के लिए मुख दिया, शरीर के अंग दिए, हृदय दिया, सब बातों के लिए ईश्वर को धन्यवाद दे। हालेलुया, हालेलुया। मैं आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ एवं सुरक्षित हैं और निरंतर प्रभु के वचन पर मनन चिंतन करके आप आत्मिक और आध्यात्मिक रूप से लाभ प्राप्त कर रहे हैं। प्रभु का वचन आपको मार्ग दिखा रहा है और आपके जीवन में प्रभु का वचन कार्य कर रहा है। आप अपनी गवाहियों को हमारे साथ में बांटिए। आप अपनी गवाहियों को अपने तक सीमित ना रखिए। सीमित का मतलब है यदि आपके जीवन में प्रभु के वचन ने, प्रभु ने, पवित्र आत्मा ने, ईश्वर ने कार्य किया है, आपके जीवन को बदला है, आपकी बीमारी को ठीक किया है या आपकी किसी परिस्थिति को बदला है जो असंभव था उसे ईश्वर ने संभव किया है, आप उस गवाही को जब बांटेंगे आपके जीवन में और आशीष आएगी। यदि आप अपने साक्ष्य, अपने गवाही को लोगों के साथ में बांटेंगे नहीं तो आप उस आशीष को रोक रहे हैं। जब आप अपनी गवाही को बांटेंगे, आपकी गवाही सुनकर अन्य लोगों का विश्वास बढ़ेगा। जब अन्य लोगों का विश्वास बढ़ेगा तो प्रभु की ख्याति बढ़ेगी, प्रभु की स्तुति महिमा बढ़ेगी, प्रभु की आराधना होगी, प्रभु को धन्यवाद देने वालों की संख्या बढ़ेगी। जब तक आप अपनी गवाही हमारे साथ में या किसी के साथ में बांटेंगे नहीं तो प्रभु की ख्याति कैसे बढ़ेगी? आप प्रभु की ख्याति को रोक रहे हैं ना, ऐसा नहीं करना है। आपको अपनी गवाही को दिए गए नंबर पर आप हमें वीडियो के माध्यम से, ऑडियो के माध्यम से, मैसेज के माध्यम से आप हमें भेजिए ताकि हम दूसरों को आपकी गवाहियां सुना सके, बता सके, उनके जीवन में भी कार्य हो सके। जब आप अपनी गवाही को बांटेंगे उनके अंदर भी विश्वास आएगा कि इस बहन ने, इस भाई ने, इस उनके जीवन में जब ऐसी परेशानी, ऐसी परिस्थिति आई तब उन्होंने प्रभु के वचन पर विश्वास किया। आपके जीवन को देखकर, आपकी गवाही को सुनकर उनका जीवन बदल जाएगा, उनके विश्वास में बढ़ोतरी होगी। इसलिए अपनी गवाही को अपने पास तक सीमित ना रखें, उसे बांटिए। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज हमारे मनन चिंतन का विषय है प्रभु यीशु का पहला चमत्कार। चमत्कार कैसे होता है? यदि आप अपने जीवन में चमत्कार देखना चाहते हैं तो क्या करना होगा और चमत्कार कैसे होता है? और आज हम प्रभु यीशु के पहले चमत्कार पर मनन चिंतन करेंगे।
इसके रहस्य को समझेंगे, वचन को पढ़ेंगे, वचन हमें बहुत कुछ समझाएगा। काना नगर के एक विवाह में प्रभु यीशु का पहला चमत्कार, एक परिवार में, एक विपरीत परिस्थिति में प्रभु का चमत्कार। आज आपके जीवन में विपरीत परिस्थिति होगी, बुरी परिस्थिति होगी, आप दुखी होंगे, बीमार होंगे, तकलीफ में होंगे, कर्जे में होंगे, पीड़ा में होंगे। इस परिस्थिति में हमें क्या करना है आज हम जानेंगे। हम संत योहन अध्याय 2 वाक्यांश 1 से लेकर 11 तक पढ़ेंगे। तीसरे दिन गलीलिया के काना में एक विवाह था। ईसा की माता वहीं थी। ईसा और उनके शिष्य भी विवाह में निमंत्रित थे। अंगूरी समाप्त हो जाने पर ईसा की माता ने उनसे कहा, उन लोगों के पास अंगूरी नहीं रह गई है। ईसा ने उत्तर दिया, भद्रे, इससे मुझको और आपको क्या, अभी तक मेरा समय नहीं आया है। उनकी माता ने सेवकों से कहा, वे तुम लोगों से जो कुछ कहे वही करना। वहां यहूदियों के शुद्धिकरण के लिए पत्थर के 6 मटके रखे थे, उनमें दो दो तीन तीन मण समाता था। ईसा ने सेवकों से कहा, मटकों में पानी भर दो। सेवकों ने उन्हें लबालब भर दिया। फिर ईसा ने उनसे कहा, अब निकाल कर भोज के प्रबंधक के पास ले जाओ। उन्होंने ऐसा ही किया। प्रबंधक ने वह पानी चखा जो अंगूरी बन गया था। उसे मालूम नहीं था कि ये अंगूरी कहां से आई है। जिन सेवकों ने पानी निकाला था वे जानते थे, इसलिए प्रबंधक ने दूल्हे को बुलाकर कहा, सब कोई पहले बढ़िया अंगूरी परोसते हैं और लोगों के नशे में आ जाने पर घटिया। आपने बढ़िया अंगूरी अब तक रख छोड़ी है। ईसा ने अपना ये पहला चमत्कार गलीलिया के काना में दिखाया। उन्होंने अपनी महिमा प्रकट की और उनके शिष्यों ने उनमें विश्वास किया। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु ने अपना पहला चमत्कार काना नगर के एक विवाह में किया। उस विवाह में क्या हुआ, उस नगर के, उस काना नगर में, उस विवाह में क्या ऐसी परेशानी आ गई और उस परेशानी को किस तरीके से ईश्वर के समक्ष लाया गया। काना नगर में जब विवाह चल रहा था तो उस विवाह में क्या हुआ, अंगूरी समाप्त हो गई। अंगूरी समाप्त हुई तो वहां पर कौन कौन आमंत्रित थे, प्रभु यीशु, उनके शिष्य और माता मरियम। जब उस परिवार के लोगों को मालूम चला होगा कि अंगूरी समाप्त हो गई है, वह परिवार चिंता में आ गए, दुखी हो गए। उन्होंने मन ही मन सोचा होगा कि अब हमारे परिवार की बदनामी होगी, लोग हमारा मजाक उड़ाएंगे कि हमने हमारे संबंधियों का सही से ख्याल नहीं रखा होगा। एक सोच आती है, लेकिन हम वचन में क्या देखते हैं, अंगूरी समाप्त हो जाने पर ईसा की माता ने उनसे कहा, किनसे कहा, प्रभु यीशु से, उन लोगों के पास अंगूरी नहीं रह गई है। ईसा ने उत्तर दिया, भद्रे, इससे मुझको और आपको क्या, अभी तक मेरा समय नहीं आया। प्रभु यीशु क्या कह रहे हैं, इस परेशानी से आपको और मुझको क्या, समझ रहे हो आप, प्रभु क्या कह रहे हैं, इस परेशानी से आपको और मुझको क्या। प्रभु ने ये नहीं कहा इस परेशानी से मुझको क्या मतलब है, मेरा इस परेशानी से क्या लेना देना है, नहीं, प्रभु ने ये कहा
इस परेशानी से मुझको और आपको क्या। आज हमने ये वचन क्यों लिया, इसके पीछे एक कारण है। जब हमारे जीवन में एकदम से कोई बुरी परिस्थिति आती है, कोई प्रॉब्लम आती है, कोई दुख आता है, कोई बीमारी आती है, कोई ऐसी घटना हो जाती है जो हम बर्दाश्त नहीं कर सकते, उसको सहन नहीं कर सकते, उस वक्त हमें क्या करना चाहिए। जैसे आपने घर बनाने के लिए, परिवार के पालन पोषण, बच्चों की पढ़ाई के लिए लोन लिया, और आपने लोन किस बेस पे लिया, आपके कामकाज के बेस में, और एकदम से आपकी नौकरी चली गई, या आप जो काम कर रहे थे उसमें घाटा हो गया, या कोई ऐसी परिस्थिति आ गई कि आपको काम बंद करना पड़ गया, कोई बीमारी आ गई, उस वक्त आपको क्या करना है, ये आज हमें प्रभु अपने वचन के द्वारा बता रहा है। जब आपके जीवन में ऐसी परिस्थिति आए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, जैसे आपके रिश्ते, पति पत्नी के रिश्ते में मनमुटाव हो गया है, एक दूसरे से नाराज है, बहुत सारे लोगों ने प्रेयर टावर पे ये भेजा है कि उनके पति नशा करते हैं, पति ने उन्हें मायके में छोड़ दिया है और अब उन्हें लेने के लिए नहीं आ रहे, पति पत्नी को मारते हैं नशा करके, उन्हें सताते हैं, उन्हें दुख देते हैं, उन्हें डिवोर्स देना चाहते हैं। बहुत सारे लोग हैं जिनको संतान का वरदान नहीं है, शादी नहीं हो पा रही है, परिवार में क्लेश है, अब्दूतों ने, शैतानी शक्तियों ने उन्हें जकड़ रखा है, बीमारी से पीड़ित है, थायराइड हो, कैंसर हो, एचआईवी से, टीबी से, बहुत सारी बीमारियों से पीड़ित है, कर्जे में है। जब आप ऐसी परिस्थिति में होते हैं तब आपको क्या करना है, ये हम आज वचन से जानेंगे। आज से पहले आपने इस काना नगर के विवाह के दृष्टांत को मामूली समझा होगा, इसमें प्रभु हमसे क्या कहता है और हम सबको क्या करना है, इस बात को समझना है। जब उस काना नगर के उस विवाह में परेशानी आई, उस परेशानियों को लेकर, उस चिंता को लेकर मां मरियम प्रभु के पास में जाती है और मां मरियम प्रभु से कहती है कि यहां पर अंगूरी समाप्त हो गई है। आज हमें भी मां मरियम के समान, मां मरियम के साथ हमारे हर दुख तकलीफ को, हर परेशानी को, हर दर्द को, हर पीड़ा को लेकर प्रभु के पास में जाना है। और जाने के साथ में क्या करना है, विश्वास करना है। ईसा ने उत्तर दिया, बद्रे, इससे मुझको और आपको क्या, अभी तक मेरा समय नहीं आया है। उनकी माता ने सेवकों से कहा, वे तुम लोगों से जो कुछ कहे वही करना। मां मरियम ने क्या किया, उस परेशानी को सबसे पहला अपनी परेशानी समझी, उस घर की परेशानी को अपनी परेशानी समझी, और उस परेशानी को लेकर अपने पुत्र, अपने ईश्वर के पास में गई। और आज ये वचन हमें बता रहा है, जब आपके जीवन में ऐसी तकलीफ हो, आपका रिश्ता टूट रहा है, उस टूटे हुए रिश्ते को लेकर आपको प्रभु के पास में जाना है, आपके उस बंधन को लेकर, उस नशे की आदत को लेकर प्रभु के पास में जाना है, आपके उस कर्ज को लेकर प्रभु के पास में जाना है, आपके रोजगार को लेकर, आपके व्यवसाय को लेकर, आपके जीवन साथी को लेकर, आपकी चिंताओं को लेकर, आपके बोझ को, आपके भार को, आपकी उदासी को, आपकी निराशा को, आपकी परेशानी, आपकी बीमारी को लेकर प्रभु के पास में जाना है।
और प्रभु पूछेगा कि बेटा और बेटी इससे मुझको और तुमको क्या। तब आपको कहना है मुझे विश्वास है मेरे ईश्वर पर। प्रभु आपसे पूछता है बेटा और बेटी तुम क्या चाहते हो। प्रभु ने हम नए विधान में देखते हैं जितने लोगों को प्रभु ने चंगाई दी है, प्रभु उनसे पूछता है बेटा और बेटी तुम क्या चाहते हो। वो कहते हैं हम ठीक होना चाहते हैं, हम अपना पाप में जीवन बदलना चाहते हैं। तो प्रभु क्या कहता है? प्रभु कहता है मैं भी यही चाहता हूँ, तुम ठीक हो जाओ, तुम आजाद हो जाओ, तुम चंगे हो जाओ। प्रभु हमारा भला चाहता है, इसलिए प्रभु यहाँ पूछ रहा है माँ मरियम से, इससे तुमको और मुझको क्या। और माँ मरियम क्या करती है? अपना निवेदन उस परेशानी को लेकर गई, प्रभु को कहा विश्वास के साथ। आज आपको आपके निवेदन को, आपकी इच्छाओं को, अपने मनोरथ को लेकर प्रभु के पास में आप आए हैं इस नित्य प्रार्थना में। जो इस प्रार्थना में भाग ले रहे हैं, चाहे संसार के किसी भी कोने से क्यों नहीं भाग ले रहे हैं, आप इस वक्त अपने निवेदन को प्रभु को कहिए, प्रभु को समर्पित कीजिए। जब आप प्रभु को समर्पित करेंगे, प्रभु को चढ़ाएंगे, प्रभु को कहेंगे प्रभु मेरी ये परेशानी है, मेरा ये दुख है, मेरी ये बीमारी है, आप प्रभु से कहिए अभी इसी वक्त, प्रभु इसी वक्त आपके जीवन में कार्य करेगा। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, जब आप अपने दुख को, अपनी बातों को, अपने मनोरथ, अपनी इच्छा को, निवेदन को जब आप प्रभु को समर्पित करेंगे, प्रभु के पास में ले जा रहे हैं, प्रभु को चढ़ा रहे हैं, आपको विश्वास होना चाहिए कि आपका ईश्वर आपकी प्रार्थना को सुन चुका है और उसे पूरा कर चुका है। क्योंकि मेरे ईश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। आज से पहले आपने हजारों डॉक्टरों को दिखाया होगा, दवाई से किसी प्रकार का आराम नहीं मिल रहा, बीमारी ठीक नहीं हो पा रही होगी, आपने सब जगह जाकर देख लिया, आपके बच्चों के रिश्ते एक नहीं हो पा रहे होंगे, वह डिवोर्स की कंगार पर आ गए होंगे। आज उन टूटे हुए रिश्तों को प्रभु के पास में लाइए, अपनी उस बीमारी को प्रभु के पास में लाइए, अपने उस कर्जे को प्रभु के पास में लाइए। किसी के पास में नौकरी नहीं होगी, नौकरी की तलाश में वह दर दर की ठोकरें खा रहा होगा, निराश होगा, हताश होगा। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप उस नौकरी के निवेदन को प्रभु के पास में लाएं विश्वास के साथ कि मैं किसी मनुष्य के पास में अपने निवेदन लेकर नहीं आया हूं, मैं अपने ईश्वर के पास, अपने प्रभु यीशु के पास में अपने निवेदन लेके आया हूं। और मेरा विश्वास है मेरा प्रभु यीशु ही ये कर सकता है। विश्वास होना चाहिए। जब आप किसी भी प्रार्थना में, किसी भी रिट्रीट में जाते हैं, कोई भी प्रार्थना बोलते हैं, वचन पढ़ते हैं, आपको विश्वास होना चाहिए। विश्वास होना जरूरी है। विश्वास के बिना कुछ भी असंभव है। यदि आप विश्वास करेंगे, ईश्वर की महिमा देखेंगे। विश्वास पूर्ण प्रार्थना रोगी को बचाएगी। विश्वास करने वालों के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। विश्वास करने वाले ईश्वर की महिमा देखेंगे। विश्वास, विश्वास, विश्वास। यदि आपको विश्वास है, आप जो भी प्रार्थना, निवेदन, प्रेयर रिक्वेस्ट लेके आए हैं, उन सबको विश्वास के साथ, जैसे उस निवेदन को मां मरियम लेकर गई, वैसे हम भी अपने निवेदन को प्रभु के पास में चढ़ाएं। उसके बाद में सोचना नहीं है, हम वचन में देखेंगे। उनकी माता ने सेवकों से कहा, वे तुम लोगों से जो कुछ कहें वही करना। मां मरियम ने क्या करा? उस परेशानी को प्रभु को समर्पित किया। क्या मां मरियम ने वहां पे सोचा होगा नहीं होगा, चिंता की नहीं की। लेकिन हम क्या करते हैं?
हम चिंता करते हैं, संदेह करते हैं, भरोसा नहीं करते हैं। सही बात बोल रहा हूं ना? सच है या नहीं है? हम संदेह करते हैं, भरोसा नहीं करते हैं, विश्वास की कमी रहती है, इसलिए हमारी प्रार्थना पूरी नहीं होती, हमारे मनोरथ पूरे नहीं होते। हम जब प्रार्थना करते हैं, हमारी प्रार्थना अधूरी रह जाती है। मां मरियम ने उस परेशानी को प्रभु को चढ़ा दिया, मतलब चढ़ा दिया। मां मरियम को विश्वास है कि ईश्वर ने मेरी प्रार्थना सुन ली और तुरंत सेवकों से कहा, सेवक जो प्रभु यीशु कहे वैसा ही करना। पहली चीज, जब हम निवेदन, मनोरथ, प्रार्थना प्रभु को चढ़ाते हैं, विश्वास होना जरूरी है। दूसरी चीज, जो कुछ आप प्रार्थना में मांगते, विश्वास करो वह आपको मिल गया है। तीसरी चीज, ईश्वर को धन्यवाद दे, सब बातों के लिए धन्यवाद दे। फिलिपियों 4:6, किसी बात की चिंता ना करे, हर जरूरत में प्रार्थना करे, विनय तथा धन्यवाद के साथ ईश्वर के सामने अपने निवेदन प्रस्तुत करे। मां मरियम ने क्या किया? चिंता नहीं की। मां मरियम ने क्या किया? उस परेशानी के लिए प्रार्थना की, किससे? ईश्वर से। उस जरूरत को बड़े विश्वास के साथ ईश्वर के सामने लेके गई। और प्रभु ने क्या किया? प्रभु ने वहां पर अपनी महिमा प्रकट की। यदि आज आप आपके जीवन में ईश्वर की महिमा देखना चाहते हैं, तो आपको प्रभु यीशु पर विश्वास करना होगा। दूसरी चीज, जो कुछ आप प्रार्थना में मांगते हैं, विश्वास करो वह आपको मिल गया है। तीसरी चीज, ईश्वर को सब बातों के लिए धन्यवाद देना जरूरी है। आगे हम देखते हैं, वहां पर यहूदियों के शुद्धिकरण के लिए पत्थर के 6 मटके रखे हुए थे, उनमें दो दो मन, तीन तीन मन पानी समाता था। ईसा ने सेवकों से कहा, मटकों में पानी भर दो। यहां पर मैं एक बात बताना चाहूंगा। मां मरियम ने प्रभु यीशु को जाके कहा, प्रभु यीशु ने क्या किया उस निवेदन के लिए? प्रभु यीशु उन सेवकों के पास में आए, सेवकों को कहा, ये जो मटके रखे हैं इनको पानी से भर दो। सेवकों ने भी प्रभु के आदेश का पालन किया, उन्होंने संकोच संदेह नहीं किया कि ये कैसा होगा, ये कैसे मुमकिन है। उन्होंने उस कार्य को छोड़ा नहीं, मतलब प्रभु के आदेश का उन्होंने पालन किया। प्रभु ने कहा, बेटा तू चिंता मत कर, तू अपने बारी के एग्जाम में, कॉलेज के एग्जाम में तू पास है, प्रार्थना करता रहे, धन्यवाद देता रहे। लेकिन क्या होता है, जैसे रिजल्ट का टाइम आता रहता है, चिंताएं हमें सताती रहती है, प्रार्थना कम होती रहती है और हम निराश हो जाते हैं। शादी के लिए हम रिश्ते ढूंढ रहे होंगे, रिश्ते नहीं मिल पा रहे होंगे, उम्र बढ़ती जा रही होगी। आप सोचते हैं आपके लिए ये संभव है, आप ही कर सकते हैं। आप अपने आप को कहीं ना कहीं ईश्वर से बड़ा समझने लग जाते हैं। इसलिए कभी कभी हमारे जीवन में असफलता, बाधाएं, परेशानियां आ जाती है। लेकिन यहां पर उस परिवार में उन सेवकों ने भी प्रभु के आदेश का पालन किया। जैसे मां मरियम ने कहा सेवकों से कि जैसा वह कहे वैसा ही करना, मतलब आदेश का पालन। सेवकों ने उन मटकों को लबालब भर दिया। प्रभु ने वहां क्या किया? प्रभु ने कहा, उसे भोज के प्रबंधक के पास में ले जाओ। उनके मन में संदेह नहीं आया कि ये हम जो पानी के मटके में पानी डाल रहे हैं, ये तो पानी है, ये अंगूरी नहीं है। उन्होंने विश्वास किया, जो कुछ तुम प्रार्थना में मांगते हो विश्वास करो वह तुम्हें मिल गया है।
विश्वासपूर्ण प्रार्थना रोगी को बचाएगी। विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ संभव है, क्योंकि ईश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। जो मनुष्य के लिए असंभव है वह ईश्वर के लिए संभव है। यहां पर उस घर की परेशानी, उस परिस्थिति को मनुष्य के सामने या मनुष्य के लिए असंभवता बदलना, उस आखिरी मौके पर अंगूरी लाना नामुमकिन था। उस परेशानी को बदलना मनुष्य के लिए नामुमकिन था, लेकिन मां मरियम ने उस परेशानी को अपनी परेशानी समझकर प्रभु के पास में ले जाती उस परेशानी को, और विश्वास के साथ में अपने सेवक को कहती है, जैसा वह कहे वैसा ही कहना। और सेवकों ने वैसा ही किया जैसा प्रभु यीशु ने कहा। वाम देखते हैं, आदेश का पालन करने से, ईश्वर में विश्वास करने से उस परिवार में, काना नगर के विवाह में प्रभु यीशु, उस गलीलिया में प्रभु यीशु अपनी महिमा प्रकट करते हैं। प्रभु अपना पहला चमत्कार उस परिवार में करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। यदि आप अपने जीवन में, अपने परिवार में, अपने कामकाज में, अपने मिनिस्ट्री में, अपनी कलीसिया में, अपने राज्य देश में यदि आप बदलाव लाना चाहते हैं, चमत्कार देखना चाहते हैं, प्रभु का चमत्कार करना चाहते हैं, सबसे पहले आपको विश्वास होना जरूरी है कि मेरा यीशु सब कुछ कर सकता है जो हम मनुष्यों के लिए नामुमकिन है, संभव है। वो मेरे यीशु के लिए संभव है। मैं किसी मनुष्य के पास में नहीं, मैं अपने यीशु मसीह के पास में आया हूं, और जो प्रार्थना निवेदन लेके आया हूं, मुझे विश्वास है मेरे प्रभु ने उसे पूरा कर दिया है। मेरी बीमारी को ठीक कर दिया है, मेरे कर्ज को माफ कर दिया है, मेरे टूटे हुए रिश्ते को जोड़ दिया है, मेरे परिवार को एक कर दिया है, मेरे परिवार में जो नशे से, शराब की लतों से पीड़ित है उन सब को आजाद कर दिया है, जो शैतानी शक्ति, शैतानी बंधनों से जकड़े हुए थे उन सब को प्रभु यीशु ने छुटकारा दे दिया है, जितने लोग बीमार थे उन सब को प्रभु ने चंगाई प्रदान की है। ये हमारा विश्वास होना चाहिए। और हम जो प्रार्थना लेके जाते हैं उन्हें फिलिपियों 4:6 के तहत प्रार्थना करना, किसी बात की चिंता ना करना। मां मरियम ने उस परेशानी के लिए चिंता नहीं करी। मां मरियम हमें बताती है कैसे अपनी प्रार्थनाओं को, निवेदन को, दुख को, तकलीफ को, पीड़ा को, मनोरथ निवेदन को प्रभु के पास में लेके जाना है। मां मरियम लेके जाती है विश्वास के साथ, प्रभु को कहती है, और वहां से आकर सेवकों से कहती है, जैसा वह कहे वैसा ही करना। मां मरियम का विश्वास देखिए। हमें भी मां मरियम के जैसा विश्वास चाहिए। हमें मां मरियम से कहना, मां मरियम आप हमारे लिए अपने पुत्र से, हमारे प्रभु यीशु से प्रार्थना कीजिए कि आप जैसे वचन का पालन करती है, वचन पर विश्वास करती है, जैसे आपने कहा मैं प्रभु की दासी हूँ, ऐसी कृपा हमें दिलाइए, अपने पुत्र से प्रार्थना कीजिए ताकि हम भी आज्ञाकारी बन सके, हम भी दास और दासी बन सके, प्रभु की संतान बन सके, एक अच्छी संतान बन सके, प्रभु के वचन का पालन कर सके, प्रभु के वचन पर विश्वास कर सके और हर जरूरत में प्रार्थना कर सके। हमारा विश्वास कमजोर ना हो। हम जब हमारे जीवन में परेशानी, विपत्ता, दुख, तकलीफ आए, दर्द, पीड़ा आए, हम उस वक्त प्रार्थना करें, और जो कुछ हम प्रार्थना में मांगते हैं विश्वास करें कि हमें वह मिल गया है। ऐसी कृपा हमें दिलाइए मां मरियम, हमारे लिए प्रार्थना करना। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज से पहले हमने इन वचनों को पढ़ा होगा, इन दृष्टांतों को सुना होगा, लेकिन इसका मूल्य नहीं समझा होगा, इसका महत्व नहीं समझा होगा। ये वचन संत योहन अध्याय 2:1-11 इतना सामर्थ्यशाली वचन है ना, ये हर परिस्थिति को बदल सकता है। ये एक मध्यस्थ प्रार्थना करने वाले व्यक्ति के लिए
ये वचन जरूरी है। जो व्यक्ति दूसरों के लिए प्रार्थना कर रहा है, जो मिनिस्ट्री चला रहे हैं, जो करिश्मेटिक प्रार्थनाएं चला रहे हैं, जो प्रार्थना करते हैं, उन सबको इस वचन को ग्रहण करना जरूरी है। और जितने भी लोग आज इस प्रार्थना में नए जुड़े हैं, मैं आपको एक बात कहना चाहूंगा। आप लोग जो देखते होंगे यूट्यूब पर मां मरियम का जो अपमान करते हैं लोग, अपशब्द लिखते होंगे, आप लोग उन सब के लिए विशेष प्रार्थना करना। मां मरियम कितनी प्यारी मां है। मां मरियम ने उस परिवार की परेशानी को अपनी परेशानी समझकर प्रभु के पास में जाती है। और आज हम उसी मां मरियम का अपमान कर रहे हैं, तिरस्कार कर रहे हैं, अभियोग लगा रहे हैं, गालियां बक रहे हैं, अपमान कर रहे हैं। हम ऐसे तमाम लोगों के मन परिवर्तन के लिए प्रार्थना करें। वे लोग नहीं जानते कि वे क्या कर रहे हैं। मां मरियम हमारी परेशानी को अपनी परेशानी समझकर ईश्वर से प्रार्थना कर रही है। जब हम पाप में गिर जाते हैं ना, वासना व्यभिचार में निराश होते हैं, दुखी होते हैं, हताश होते हैं, तब मां मरियम ही होती है जो हमारे लिए प्रभु से प्रार्थना करती है, विनती करती है, हमारे दुख को, हमारी वासना व्यभिचार प्रलोभन को हमारे लिए प्रभु से विनती करती है, प्रभु से कहती है, प्रभु मेरे बच्चों को बचा, ये जो गलत राह पर चल रहे हैं, ये दुखी है, मुझसे नहीं देखा जा रहा। मां मरियम से उस काना नगर के विवाह में उस परिवार की परेशानी को नहीं देखा गया, इसलिए मां ने तुरंत उस परेशानी को अपनी परेशानी समझी और प्रभु के पास में गई, प्रार्थना की। हम देखते क्या हुआ, चमत्कार। मां मरियम निरंतर हमारे लिए प्रार्थना करती, हमारे परिवार के लिए, कलीसिया के लिए, संत पापा के लिए, सभी कार्डिनल्स बिशप्स के लिए, पुरोहितगण के लिए, धर्मसंगी बहनों के लिए, सभी विश्वासी भाई बहनों के लिए, सभी प्रचारकों के लिए, देश के लिए, हर एक व्यक्ति के लिए मां मरियम प्रार्थना करती है। हालेलुया, हालेलुया। आज हमें भी मां मरियम की तरह विश्वास करना है और मां मरियम के साथ मिलकर प्रार्थना करना है प्रभु से। क्या आप सभी तैयार हैं? क्या आप सभी तैयार हैं? मां मरियम में जो विश्वास था, जो मां मरियम ने जो विश्वास के साथ प्रार्थना की प्रभु से, आज हम भी मां मरियम के समान यीशु से प्रार्थना करें, अपने निवेदन को प्रभु को समर्पित करें और मां मरियम से निरंतर मध्यस्थता मांगिए। मैं आपको कहूंगा, आपका जीवन बदलेगा। मां मरियम हमारी मां है, मां मरियम हमारी मां है। कैसे हम अपनी मां को गाली दे सकते हैं? कैसे हम अपनी मां पर लांछन अभियोग लगा सकते हैं? नहीं मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु ने किसी को यह अधिकार नहीं दिया है कि तुम दूसरों पर अभियोग लगाओ, दूसरों पर दोष लगाओ। वचन कहता है, जिस नाप से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। प्रभु का वचन कहता है, तुम में से जो निष्पाप है वह सबसे पहले उस पापिनी स्त्री को पत्थर मारे। हम देखते हैं क्या होता है, कोई भी पत्थर नहीं मारता, क्योंकि कोई भी निष्पाप नहीं है। लेकिन मां मरियम पवित्र कुंवारी मरियम है, वह ईश्वर पिता ईश्वर द्वारा चुनी गई। पिता ईश्वर की कृपा मां मरियम पर पड़ी और पिता ईश्वर ने चुना। इसलिए हम जब मां मरियम का अपमान करते हैं, अभियोग लगाते हैं, लांछन लगाते हैं, गाली बकते हैं, हम मां मरियम का नहीं, हम ईश्वर का अपमान कर रहे हैं, ईश्वर को शर्मिंदा कर रहे हैं। आइए हम हर एक व्यक्ति के लिए प्रार्थना करें ताकि उनका मन परिवर्तन हो जाए और हम सब साथ मिलकर
जब हम प्रार्थना करें, जैसे अभी माइक के सामने, कैमरे के सामने मैं खड़ा हूं, मेरा विश्वास है मेरे साथ में मां मरियम भी है और मेरे साथ में प्रभु यीशु भी है। मैं विनती, मां मरियम और मैं विनती कर रहे प्रभु यीशु से, मां मरियम मेरी प्रार्थना को लेकर अपने पुत्र के पास में जा रही है। आपके निवेदनों को मां मरियम अपना निवेदन समझकर प्रभु के पास में ले जा रही है और प्रभु से प्रार्थना कर रही है। आपको विश्वास करना है, आपकी जरूरतें, आपकी मनोरथ, आपकी विनती प्रभु ने सुन लिया, उसे पूरा कर दिया है। आमीन आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया। मैं आप सभी से निवेदन करूंगा, आप सभी इस वीडियो के लिंक को अन्य लोगों के साथ भी शेयर करें, ताकि हम वचन के रहस्य को समझ सके, प्रार्थना कर सके, ताकि वचन के द्वारा हमारा जीवन बदले, हमारे विश्वास में बढ़ोतरी हो। और इस नित्य प्रार्थना के लिए आप प्रार्थना करना, ताकि अधिक से अधिक लोग इस प्रार्थना में भाग ले सके, वह अपना पाप में स्वभाव बदले, वह अपने जीवन में प्रभु की आशीष पाए, उनके विश्वास में बढ़ोतरी हो। आप अन्य लोगों को भी इस प्रार्थना के बारे में बताना। ये प्रार्थना हर शनिवार शाम 7 बजे शांति का राजा यूट्यूब चैनल पर प्रसारित होता है। आप बड़े विश्वास और भरोसे के साथ इस प्रार्थना में भाग लीजिए। प्रभु आपको और आपके परिवार को आशीष प्रदान करेगा, आपके जीवन को बदल देगा, और आपके जीवन को बदल दिया है। और आप आज जो इस प्रार्थना में भाग ले रहे हैं, यह आप अपनी इच्छा से नहीं, ईश्वर की इच्छा से है। ईश्वर की इच्छा यह है कि मेरे बेटा और बेटी मेरे पास में आए, मेरे पास में उनके लिए एक योजना है, एक इच्छा है, मैं उनके जीवन को बदलना चाहता हूं। ईश्वर ने आज आपको अपना चंगाई भरा हाथ आपके जीवन में रखा है, आपकी बीमारियों को दूर कर दिया है। प्रभु ने स्वर्ग से अपनी आशीषों को बरसाया है, क्योंकि हम बड़े आनंद और विश्वास के साथ आज इस प्रार्थना में भाग ले रहे हैं और भाग लिया है। प्रभु हम सबों के साथ है। आमीन। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। सबों को जय।